सब्सक्राइब कीजिए यच के श्याम श्रृंगार को और बाजू वाला बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम हमारे कान्हा जी को बहुत ही सुंदर सी पगड़ी पहनाएंगे गोल्डन कलर की। मैं आपको बहुत सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत जनों की इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं ये पगड़ी बांधना नहीं सिखा पाया, पर आज मैं आपको ये बनाना बताऊंगा। तो इसके लिए देखिए मेरे पास ये नेट का कपड़ा है, ये देखिए इस तरीके से। मैंने इसका कुछ मेजरमेंट वगैरह नहीं लिया है, इसको अंदाजे से मैंने इसको बस इस तरीके से घुमा दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मेरे पास ये जो हमारे पाइप्स जो हमने बनाए थे कुछ इस तरीके के, ये भी है। तो बस मैंने इसको प्रेस करके एक अच्छे से ये कर दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने प्रेस करके इसको स्ट्रेट कर दिया ताकि ये एक पट्टी लग रही है अभी। और हमें चाहिए कलगी, जो इस तरीके की छोटी सी कलगी हमें चाहिए गोल्डन कलर की। सब हम गोल्डन कलर का ले रहे हैं, आप चाहे तो अलग कलर का भी बना सकते हैं। तो नेट का कपड़ा मेरे पास ये इस तरीके का डिजाइन वाला है, अगर आपके पास सिंपल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बस हमें अंदर साइड से दिखाना है। तो इस तरीके से इसको मोड़ते जाएंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, और इसको हमारे ठाकुर जी के ऊपर पहना देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे और ठाकुर जी के ऊपर कुछ इस तरीके से, ये जो नेट का फैब्रिक है उसको हमें इस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद में पीछे साइड से आप चाहे तो एक पिन लगाकर भी सेट कर सकते हैं, बट मैं पिन ज्यादा नहीं लगाना चाहता, डायरेक्टली मैं इसको लूंगा जो मेरा ये स्ट्रिप मैंने कट की थी पाइप्स, उसको लेके इसी के ऊपर से मैं इसको बांधता जाऊंगा कुछ इस तरीके से। नेट के फैब्रिक से एक फ्लफीनेस आता है पगड़ी में, जो पगड़ी बांधने में बड़ी आसानी भी जाती है उससे कुछ इस तरीके से। देखिए एक दो राउंड इधर घुमा दिए, हम पगड़ी को टाइट भी बांध सकते हैं नेट लगाने से, वो ज्यादा टाइट भी नहीं होता, एक स्पंज की तरह लुक हो जाता है उसका इस तरीके से। देखिए आगे से लिया अभी मैंने इस प्रकार, उसके बाद में जैसे ये जो एक्स्ट्रा जो नेट दिख रहा है उसको भी छिपा देंगे इस तरीके से, देखिए, ठीक है। फिर एक या दो पिन आपको जितनी भी लगे, ज्यादा पिन ना लगाए, और पिन कुछ इस प्रकार से लगाए कि ठाकुर जी को इसका बिल्कुल भी चुभे ना। तो मैं ज्यादातर पिन बाहर ही निकाल देता हूं पिन की नोक, तो आप इसे आपके हिसाब से लगा सकते हैं। जब इस तरीके से हमारा अच्छे से ये सेट हो जाए, उसके बाद में क्या करेंगे, एक कलगी लेंगे और कलगी के ऊपर थोड़ा सा वैक्स ले लेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि मैं ज्यादा पिन लगाना पसंद नहीं करता हूं, तो इस प्रकार से वैक्स से ही आराम से चिपक जाती है, तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है, ठीक है। आप चाहे तो ये वैक्स की वाली कलगी को आप इस तरीके से साइड से भी लगा सकते हैं, ये पूरे आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में देखिए अभी हम श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी का। तो देखिए पहले तो हम तिलक लगा देंगे उनको, उनका फेवरेट। ठीक है, उसके बाद में उनको हम इयररिंग्स पहना देंगे। इस तरीके से
के बाद में कुछ इस तरीके का नेकलेस पहना देंगे हम उनको। देखिए अगर आपके पास मतलब ज्वेलरी जो है वो अगर आपके पास एडजस्टेबल वाली है तो प्लीज आप चाहे तो उनको ये वाली पहना, मतलब पहले ज्वेलरी पहनाइए उसके बाद में पगड़ी पहनाइए। अगर आपके पास मतलब जो इस तरीके की मतलब है तो आप बाद में भी पहना तो चलेगा वो, तो ये वाला नेकलेस भी हम उनको पहना देते। इसके बाद में एक मैचिंग सा पैच लगा देंगे पगड़ी के ऊपर और पगड़ी सुंदर लगेगी। कुछ इस प्रकार से उनके हाथों में हम कड़े पहना देते पहले। ये सब जो श्रृंगार हमने उनको पहना है ये सभी की वीडियोस शायद अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैंने सभी का डाला है। कड़े, ये नेकलेसेस, ये दोनों टाइप के नेकलेसेस मैंने एक वीडियो में बनाने बताए थे। और ये फुल स्लीव्स की ड्रेस है जो भी उसको उसका भी वीडियो मैंने पहले मतलब एक चोली बनाई थी तो समर स्पेशल वो भी बताई है, तो इसके साथ जस्ट अटैच की है ये घेरे वाली पोशाक के साथ, पोशाक की भी वीडियो है और ये बंसी वाली भी वीडियो है। तो देखिए ये बंसी हम उनके हाथ में धरा देंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। आई होप कि आपको मेरा ये पूरा श्रृंगार पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जो भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपके पास कोई सजेशन भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।